राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पालकुराली का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम 11 मार्च 2023 को प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्यता के बीच में गेठाणा और बधाणी ताल के लिए आयोजित किया गया। यहां पे बच्चों ने भगवान त्रिजुगी नारायण के पावन मंदिर के साथ में स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र का अवलोकन किया। भगवान त्रिजुगी नारायण मंदिर बधाणी की पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेने के बाद भ्रमण दल ने आसपास की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लिया। भ्रमण दल ने सनबांगर और रणबद्धार के पास में पड़ने वाली प्राकृतिक पत्थरों की गुफा का भी अवलोकन किया। बधाणी ताल के प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ स्थानीय संसाधनों, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का भी अवलोकन छात्रों के द्वारा किया गया। भ्रमण दल के द्वारा बच्चों के साथ मिलकर के सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। इन तीर्थ और धर्म स्थलों पर पर्यटन की दृष्टि से आते लोगों के द्वारा जो कूड़ा कचरा फैलाया जाता है उसको साफ करने की दिशा में भी साफ सफाई का एक अभियान, एक पहल शुरू की गई। आसपास के प्लास्टिक, अजैविक कूड़े को एकत्रित करके छात्रों ने उस कूड़े का भी निपटान किया गया और मंदिर परिसर और आसपास ताल के परिसर की साफ सफाई और स्वच्छता की गई। भ्रमण दल के द्वारा भौगोलिक, इकोलॉजिकल मूल्यों के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हुए एक सामूहिक नृत्य का भी इस दौरान आयोजन किया। रानी से ठीक नीचे गेठाणा में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत का भी बच्चों के द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान बच्चों ने बहुत सारी गतिविधियों को, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का बच्चों ने लुत्फ उठाया। वो बर्फ की पहाड़ियाँ, वो उसके पीछे दिख रहा है। विद्यालय प्रधानाचार्य श्री करण सिंह कुंवर और राजकीय शिक्षक संघ के संरक्षक आदरणीय सुनील मैठाणी जी के द्वारा इको क्लब प्रभारी अश्विनी गौड ने बच्चों के साथ मिलकर के अजैविक कूड़े के निपटान के लिए आदरणीय बड़ौनी जी, कैलाश चंद्र बड़ौनी जी के साथ मिलकर के बच्चों को साफ सफाई का भी संदेश दिया। कूड़ा उठाते हुए भाई कहीं पे प्लास्टिक मिलता है उसको उठाइए। पर्यटक स्थलों में सिर्फ घूमने का हक नहीं है, उनको साफ सुथरा, पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व बनता है। प्लास्टिक कचरे को यहाँ उठा करके यहाँ रखिए। चलिए, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पालकुराली द्वारा प्राकृतिक सौंदर्यता से लवरेज बधाणी ताल स्थल का भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे मनोरंजन, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ पर्यावरण में सक्रियता किस प्रकार से की जा सकती है, इन पर्यटक स्थलों को साफ रखना भी हमारा दायित्व है। बच्चों के अंदर ये भाव, ये संस्कार भी हमें डालने होंगे। तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करके उसका निपटान अपने स्तर पे करने की एक छोटी सी कोशिश की है। प्राकृतिक सौंदर्यता और इकोसिस्टम के साथ साथ बधाणी ताल में इस रंग बिरंगी मछलियों के तालाब को देखना वास्तव में एक अलग प्रकार की अनुभूति बच्चों में पैदा कर गया और बच्चों के बीच में ऐसी रोचकता का माहौल पैदा हो गया कि बच्चे इस भ्रमण दल से काफ़ी खुश दिखे। और शाम को 3 बजे हमारा दल बांगरपट्टी के गाँवों का भ्रमण करके नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्यता का लुत्फ उठाते हुए पालकुराली के लिए प्रस्थान कर गया।